हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पहली बात तो ये क्योंकि मैं काफी दिनों बाद मैं अपनी रिंग लाइट, अपने पूरा जो भी मेरा सेटअप है छोटा सा, उसके साथ मैं शूट कर रही हूँ। और दूसरी बात ये कि आज बहुत स्पेशल डे है। आज है 26th of March। वैसे तो 3 दिन बाद मेरा बर्थडे है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं आज के लिए, जस्ट बिकॉज आज जो दिन है ना वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। हर पेरेंट की लाइफ में ये दिन आता होगा, तो मेरी लाइफ में ये दिन आज है। आज है मेरे बेटे का रिजल्ट, और अभी तक ऑनलाइन ही सब कुछ चलता था, आज ऑफलाइन पीटीएम है और मुझे उसका रिजल्ट लेने जाना अपने हस्बैंड के साथ। तो पता नहीं कैसे क्या होगा उसका रिजल्ट, क्या आने वाला है क्या नहीं। तो जो भी चीजें हैं उस सब चीजों के लिए मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। बहुत ही स्पेशल मोमेंट है ये मेरे लिए कि मतलब मेरा बच्चा है, उसका रिपोर्ट, मतलब वो कहाँ पहले दिन स्कूल गया था, फिर धीरे धीरे उसके एग्जाम्स होने लगे, और अभी वो इतना हो गया कि उसका रिजल्ट मुझे कलेक्ट करने जाना है। तो बस यही सारी चीजें, बहुत ही मिक्स सी फीलिंग है। तो मैं एक्साइटेड हूँ बहुत, और मैंने सोचा कि ये प्रॉपर मैं वीडियो आप लोगों से शेयर करती हूँ कि आप भी अगर अपने बच्चे के स्कूल में जाते हैं तो किस तरीके का मेकअप आप वेयर कर सकते हैं, या बस एक फीलिंग है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बस। और मैं पहनूंगी आज ये वाला टॉप जो कि मैंने मीशो से मंगाया था। मैं आज वेयर कर रही हूँ साड़ी। मैंने पहले सोचा था कि मैं सूट पहनूँ, लेकिन फिर मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि यार इतना स्पेशल टाइम है मेरे लिए, और मतलब कि मैं इतने सारे वीडियोस करती हूँ, साड़ी जो है वो मुझे सबसे ज्यादा पर्सनली बहुत पसंद है, तो क्यों ना मैं साड़ी ही पहन के जाऊँ। तो फिर इसलिए मैंने आज साड़ी, जिसको मैं पहनने वाली हूँ, ये वाली ब्यूटीफुल सी साड़ी जो कि शिफॉन मटेरियल में, और उसके अंदर पूरा बंधेज का काम है। तो मैंने ये वाली साड़ी चूज करी है, और ये साड़ी भी बहुत स्पेशल है क्योंकि जब मैंने अपनी शादी मेरी हुई थी, उसके लहंगा जो भी हमारा वेडिंग ड्रेस था उसको जब मैंने चेंज किया तो मैंने यही साड़ी पहनी थी। तो उस दिन भी मेरे लिए बहुत स्पेशल था, आज का दिन भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसीलिए मैंने ये साड़ी चूज की है। और ये मतलब आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होने वाला, आई होप सब अच्छा रहे। बाकी देखते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और बहुत ही सटल सा मुझे मेकअप चाहिए क्योंकि हम स्कूल जा रहे हैं, कोई पार्टी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, मतलब एक्साइटेड हूँ मैं, लेकिन ऐसा मतलब थोड़ा सा हिसाब से, स्कूल के हिसाब से, तो मैं वैसे ही मेकअप वियर करके आप लोगों को शो करती हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपने फेस को सबसे पहले किया है वॉश। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ टोनर। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर। अब अपने हम कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं फेस पे और नेक एरिया में, काफ़ी स्किन ड्राई हो जाती है समर्स के अंदर भी। तो जैसे कि मार्च चल रहा है और गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा आ चुकी हैं, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लोटस का सनस्क्रीन। सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी होता है मेकअप से पहले, या फिर डे टाइम के लिए आप एवरी डे में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी होता है, बहुत चीज़ों से आपको बचा देता है। तो कम से कम 30 अबव भी इसके अंदर SPF हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपने हैंड्स पे भी लगाया है क्योंकि ये ओपन एक्सपोजर में होता है, इसलिए मैंने इस पर भी लगाया है। अपने नेक पे, अपने पूरे फेस पे अच्छे से मैंने सनस्क्रीन यूज़ किया है। लिप्स भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, इसलिए लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना ना भूलें। तो ये समर का डे टाइम लुक है, और समर्स में क्या होता है कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और हमारा जो फाउंडेशन होता है वो बहुत ज़्यादा केकी या पैची हो सकता है। तो उस चीज़ को हमें अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे फाउंडेशन को अवॉइड कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे की CC क्रीम। आप BB क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप फाउंडेशन भी यूज़ करना चाहते हो तो आप अपनी मॉइस्चराइजर में उसको मिक्स कर लीजिए हाफ ऑफ क्वांटिटी में, उसके बाद आप उसको डाइल्यूट करके लगा सकते हैं, तो वो भी BB या CC क्रीम का ही काम करता है। तो इस तरीके से मैंने अपने बैक ऑफ पम्प पे पूरा डॉट डॉट फॉर्मेशन में अपने पूरे फेस पे लगा लिया और नेक पे, और बाद में हम इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। अंडर आइज को ब्राइटन अप करने के लिए और अपने फेस को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, और बाद में उसको हम सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। अब एक कॉम्पैक्ट की हेल्प से हम अपने कंसीलर पर पूरे फेस को हम सेट कर लेते हैं, जिससे कि वो क्रीज ना करे और हमें स्वेटिंग भी थोड़ी कम हो। कंसीलर को सेट करने के बाद मैं यहाँ पे अपने फेस को कंटोर कर रही हूँ, तो कंटोरिंग के लिए भी मैंने यहाँ पे एक कॉम्पैक्ट ही लिया डार्केस्ट शेड में। तो इस तरीके से ब्रश की हेल्प से मैं अपने हॉलो ऑफ दी चीक्स, अपने नोज़, जॉ लाइन और अपना फोरहेड को अच्छे से कंटोर करूँगी, जैसे कि मेरे फेस को एक अच्छा सा डायमेंशन मिल जाए, जो कि हमारी जो फेस पे शेडोज होती है तो वो हमारे डायमेंशन क्रिएट करता है, तो हमारा फेस चीज़ लगता है, इसलिए हम कंटोरिंग करते हैं।
अब हम सेम ब्रश से ब्लशर भी लगा लेंगे। तो ब्लशर के लिए मैंने यहाँ पे ऑरेंज और पीची काइंड ऑफ लिया है क्योंकि मेरे आउटफिट से एग्जैक्ट वो मैच कर रहा है। अगर आपको कोई और आउटफिट पहन रहे हैं या आपको पिंक लगाना तो आप पिंक भी लगा सकते हैं इस मेकअप लुक के साथ। अपने एप्पल ऑफ द चीक्स, नोज, अपनी चिन और थोड़ा सा फोरहेड पे हम लगाएंगे जिससे कि एक वो सुंदर सा नेचुरल ब्लश हमें मिलता है। अब सेम हम ब्लशर लेंगे और उसको मैंने एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश में लिया है अपने आई मेकअप के लिए। अपने पूरे क्रीज पे, अपने पूरे आईलिड्स पे हमें इसी को ही प्लेस करना है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इस शेड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लाइट ही लिया है जस्ट बिकॉज ये डे टाइम लुक है और किस इवेंट के लिए ये आपको पता ही है। लोअर लैश लाइन पे भी हम सेम शेड लगा रहे हैं, ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। इतने में ही आप डिफरेंस देख सकते हो मेरे आईलिड्स के ऊपर। मैं यहाँ पे ब्राउन काजल ले रही हूँ लैक्मे से, बहुत ही सुंदर ये सॉफ्ट काजल है। अगर आपको कंफ्यूज होते हो ना कि आपको क्या करना चाहिए, अगर कॉलेज टाइम का लुक है, ऑफिस टाइम का लुक है या मेरी तरह आप किसी इवेंट में जा रहे हो इस तरीके से, तो आप डेफिनेटली ब्राउन काजल की तरफ जा सकते हो। मैं यहाँ पे बिल्कुल रैंडम एकदम लगा रही हूँ, बिल्कुल प्रिसाइसली होके लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाद में हम इसको ब्लेंड ही करने वाले हैं ब्रश की हेल्प से। और अगर मतलब जैसे कि आप चाहो तो लाइनर भी लगा सकते हो, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा को डिफरेंट दिखाते हो, थोड़ा सा डिफरेंट लुक क्रिएट करते हैं, तो इसको आज हम पूरे अपने आईलिड्स पे इस तरीके से प्लेस करेंगे और बाद में हम एक फ्लैट ब्रश से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर ये इजीली ब्लेंड होता है, बहुत ही सॉफ्ट पेंसिल है। आप इसको अपनी किट में ज़रूर ऐड कर सकते हैं, आपको मतलब समझ लीजिए कि ये बहुत तरीके से बचाएगा। जैसे कि मैं ब्लैक आई शेडो आपको कहती हूँ इस तरीके से, ये भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि एक ब्राउन पेंसिल जो भी आपको पसंद है जिस भी ब्रांड की आप एक अपने किट में रख सकते हैं। ब्लेंडिंग करने के बाद जो भी ब्रश में प्रोडक्ट रह जाता है उसको हम अपनी लोअर लैश लाइन पे भी लगाएंगे तो ये डेफिनेशन मिल जाएगी हमारी आई को। तो हम अपनी अपर वाटर लाइन और लोअर वाटर लाइन दोनों में सेम ब्राउन काजल ही लगाएंगे। तो जैसे कि अभी समर्स टाइम है तो मैं अभी अवॉइड कर रही हूँ पाउडर प्रोडक्ट आईब्रोज़ के लिए क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है मुझे फोरहेड पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अभी पेंसिल यूज़ की है। अभी करंटली ये मेरी बहुत फेवरेट है, तो इस तरीके से मुझे पेंसिल लेनी है और बाद में एक एंगल ब्रश की हेल्प से हम इसको ब्लेंड करेंगे धीरे धीरे। तो इस तरीके से ये काफ़ी सुंदर शेड आपको मिल जाता है, डीपेस्ट ब्राउन इसका शेड है आई थिंक। अब एक आई कलर की हेल्प से अपनी आई लैशेज़ को कर्ल कर लेते हैं, उसके बाद हम मस्कारा लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा लिफ्टेड हमें इफेक्ट मिलता है। तो यहाँ पे मैं अगेन अपना फेवरेट मस्कारा यूज़ कर रही हूँ मेबलिन। अब मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लिक्विड हाइलाइटर ले रही हूँ और मैं हाइलाइटर मेरे पास जो था वो पाउडर वाले भी हैं और मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी उसको क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था जिसके वजह से वो कोई ज़्यादा ना हो जाए चमक चमक और फिर वो अच्छा नहीं लगता है डे टाइम के लिए स्कूल के लिए, तो मैंने यहाँ पे नेचुरल ही रखा। तो इस तरीके से जहाँ पे भी मैं अपना पाउडर लगाती थी अपने एप्पल ऑफ द चीक्स, ब्रिज ऑफ द नोज, अपने फोरहेड पे और अपने क्यूपिड एरिया, चिन एरिया, सब जगह पे मैंने इसी को ही ब्लेंड करते हुए लगाया। तो ये भी बहुत अच्छा है कि अगर आपके पास नहीं है या इस तरीके का आप कुछ चाहते हो तो इसको भी आप लगा सकते हो, नहीं तो जो स्विस ब्यूटी का एक और था रियल मेकअप बेस आप उसको भी लगा सकते हैं, वो भी यही सेम काम करने वाला है। तो इट्स टोटली अप टू यू, तो आप जैसे आपको सही लगे आप ऊपर से। तो मुझे इसका ये हैक काफ़ी अच्छा लगा। अब हम अपने पूरे मेकअप को सेट कर लेते हैं एक सेटिंग स्प्रे की हेल्प से और बाद में एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से हम इसको अच्छे से डैब डैब कर लेंगे क्योंकि जो भी हमारे स्किन पे प्रोडक्ट्स हैं वो सब अच्छे से मेल्ट हो जाए हमारी स्किन में और वो नेचुरल एक फिनिश हमें दें। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे एक ऑरेंजिश रेड शेड लिया है और मुझे बहुत ज़्यादा लाउड लगा इसलिए मैंने इसमें एक और शेड मिक्स किया, थोड़ा सा न्यूड ब्राउन काइंड था लैक्मे से। तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो थोड़ा सा ये क्रीमी टेक्सचर हो रहा था तो मुझे ये अवॉइड करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक टिश्यू पेपर की हेल्प से इसको मैंने मैट लुक बना लिया। तो अब यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट सारी लुक कंप्लीट है। अब मैं मिलती हूँ अपने आउटफिट चेंज करने के बाद।
मैंने यहाँ पे सिंदूर लगा लिया है, छोटी सी बिंदी लगाई है अपने आउटफिट से मैच करती हुई, गोल्ड के इयररिंग्स पहने हैं, अपना मंगलसूत्र पहना है, तो ये है मेरा कंप्लीट आउटफिट लुक। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और अगर थोड़ा सा भी आप रिलेट कर सकते हैं मुझसे तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा हैंडल है चेंज एक्सप्रेस, जहाँ पे मैं बहुत सारी अपडेट करती हूँ। और बाकी थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे वीडियोज को बहुत प्यार दे रहे हो और बस आई लव यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाय बाय।